Hello children, today again we will revise this. We have done in the 16th of April. Again we will revise this root that we eat. There are some roots that we eat. We will learn their descriptions and the names of that particular root. Roots are very important plants because they get water and nutrients from the soil. क्योंकि इससे हमको इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारे प्लांट को वाटर देता है और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है. जो हमारे सॉइल में, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रूट्स के थ्रू प्लांट में जाते हैं एंड ऑल्सो सपोर्ट्स द प्लांट. और एक पौधे को सपोर्ट का काम करता है. रूट्स कितना इम्पॉर्टेंट है, देखिए. ये प्लांट को पानी भी पहुँचाते हैं, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो भी इसी से जाते हैं, और ये हमारे प्लांट को सपोर्ट भी करता है. ओके, द रूट्स विच वी कैन ईट आर कॉल्ड एडिबल रूट्स. और जो हम रूट्स जिसको खाते हैं, दे आर व्हाट, एडिबल रूट्स. रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स बिकॉज दे गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो सॉइल में वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स तक, और एक सपोर्ट का कार्य करते हैं जो प्लांट जिससे खड़ा रहता है. द रूट्स विच वी ईट आर कॉल्ड एडिबल रूट्स. और जो रूट्स हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिबल रूट्स. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एडिबल रूट्स. दे आर जिंजर, रेडिश, कैरेट, गार्लिक, टर्निप, बीट रूट. ओके, एंड फर्स्ट इज टर्निप. दे आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर, वाइटमिन सी एंड पोटाशियम. बोथ इट्स रूट्स एंड लीव्स आर एडिबल. इसके रूट्स भी और लीव्स भी दोनों खाए जा सकते हैं. ये क्या है, टर्निप. ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका पिक्चर कितना क्लियर है. दिस इज टर्निप. दे आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर, वाइटमिन सी एंड पोटाशियम. Both its roots and leaves are edible. Next is, they have a strong taste and smell because of oil present in them, just like mustard. This is radish. क्योंकि इनका एक strong smell होता है, taste होता है, और क्योंकि इसमें oil मिला हुआ होता है, जैसे कि mustard में, जैसे सरसों में मिला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, radish. थर्ड है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पिकल्स इन एंड इन कुकिंग फूड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर एंड ऑर्डर. दे आर गार्लिक. इसमें एक स्मेल होता है, सॉरी, इसमें एक फ्लेवर होता है जिसकी वजह से पिकल बनाया जाता है, और एक खुशबू होती है जिसकी वजह से खाने में भी एक अलग सा टेस्ट आता है. इसको क्या बोलते हैं, गार्लिक. क्या बोलते हैं, गार्लिक. इट इज यूज फॉर मेकिंग पिकल्स एंड इन कुकिंग फूड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर एंड ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट इज, इट कंटेन्स बीटाइन, अ नेचुरल केमिकल दैट हेल्प्स अस रिलैक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन एंड फूड इंडस्ट्रीज. दिस इज बीट रूट. ये है बीट रूट, जो कि एक मेडिसिन का भी काम करता है फूड इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. एक नेचुरल केमिकल होता है. दे हेल्प अस रिलैक्स. दिस इज बीट रूट. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बीट रूट. ओके, नेक्स्ट इज कैरेट. इट इज अ रिच सोर्स ऑफ शुगर, फाइबर, विटामिन ए, सी एंड ई. इट इज फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर्स. दिस इज means we can see the red color carrot and orange color carrot. This is carrot. This is a rich source of sugar and fiber. Next is ginger. It can be cultivated at the time of year, but the best time to cultivate it is the end of winter. Winter ki end mein isko cultivate kiya jata hai. This is the picture of ginger. So you can see the picture of ginger. It is very helpful, and it work as a medicine also for us. See the picture of carrot,
पिक्चर ऑफ बीट रूट, पिक्चर ऑफ टर्निप, पिक्चर ऑफ रेडिश, गार्लिक, दीज आर द पिक्चर्स. And mostly people consider tomato as a vegetable, but it is fruit, not a vegetable. Means vegetable नहीं है tomato. Tomato एक fruit का कार्य करती है. Okay? So your this chapter again I have revised it. We have already I have already explained this chapter to you, and just I have make revised it because of your because many of you have not seen the video and. See the video properly and you just learn all the examples of these edible roots. They are ginger, radish, carrot, garlic and turnip, beetroot. These are the examples of this edible roots. Learn it very carefully, and if you have not seen the picture of turnip, radish and anything, then you can see from your book. It's very clearly, it's given very clearly, okay? You can watch it from there and learn all the spellings of these beetroots, these edible roots. It's very important to learn all the spellings also. Okay, students? In the next video lecture, we will discuss new chapter with new energy. And students, watch the video carefully and stay at home. Avoid going outside and stay home, stay safe, wash the hand, don't touch anything which is uncommon to you all, and clean yourself, take bath daily, clean your dress, clean your teeth, hair, everything should be clean, and read yourself by while watching the video. Take a pencil, mark all the difficult words and read the meaning, read the spelling of that word and learn it very carefully, okay? Because this is very pandemic period, and stay home, stay safe, because if you will learn how to be safe, then you can make another safe, okay? So watch the video and learn all the spellings which is given here, because it's very important for you all. Thank you.